तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और वैसे आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए हो कि जो इस वीडियो में क्या होने वाला और आगे की जो वीडियो आने वाली है उसमें क्या होने वाला है। हाँ जी गाइस, तो मैं जा रहा हूँ साइकिल पे जो कीव सिटी है कैपिटल यूक्रेन की, वहां से कार्पेथियन माउंटेन है जो यहाँ के मोस्ट फेमस माउंटेन्स है वहां पे, और यहाँ से लेके जो लास्ट सिटी है जो रोमेनिया बॉर्डर पे है जो कार्पेथियन माउंटेन पे, उसका नाम है दिलोवे। तो यहाँ से लेके वहां तक जाना वाला हूँ। जो टोटल डिस्टेंस है वो होने वाला है लगभग 700 किलोमीटर का। तो वैसे तो अगर बाय वॉक मैप पे देखे तो हम दो दिखा रहा है 6 या 7 दिन का, साइकिल पे हम 3 या 4 दिन में भी पूरा खत्म कर सकते हैं। बट जो मेरा प्लान है वो लगभग 10 दिन का है, और मैंने सारा सामान जो है वो शॉपिंग कर ली है, कैंपिंग वगैरह का सारा हर चीज़ वो ले ली है। तो गाइस इसके पीछे एक रीज़न है कि मैं साइकिल पे क्यों जा रहा हूँ। और पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं हिचहाइकिंग करके जाऊंगा, कि ऐसे पैदल यहाँ से निकलूंगा और किसी से लिफ्ट लेते लेते रास्ते में रुकते हुए कैंपिंग करते हुए जाऊंगा। तो एक दिन ऐसे मैं बैठ के सोच रहा था, फिर मेरा दोस्त भी आ गया था वहाँ पे। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे अभी वॉर चल रहा है, तो 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक यहाँ क्या होता है कर्फ्यू लग जाता है। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं सिटी तक नहीं पहुँच पाया या किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो वो ये कि थोड़ी डिफिकल्टी वगैरह होएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं वेस्ट साइड एरिया में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है वॉर वगैरह की। तो मेन क्या है कि अगर मैं सिटी तक नहीं पहुँच पाया और मेरे को रास्ते में कहीं कैंपिंग करनी पड़ी थोड़ा सा इधर के एरिया में, माउंटेन से इधर के एरिया में, तो वही है कि किसी के मतलब कोई ऐसा आ गया, कोई किसी ने ड्रंक कर रखा है या ड्रिंक कर रखी है, कुछ ऐसा आ गया। तो बस उसी चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना बाइसाइकिल पर करते हैं अपने यहाँ से लेकर राइड स्टार्ट साइकिल पे, और मैं आराम से सिटी तक भी पहुंच सकता हूँ। थोड़ा सा अगर फास्ट चलाऊंगा जैसे भी होगा कि सिटी में पहुंच के थोड़ा जो उधर का एरिया है माउंटेन्स के उधर का, वहाँ का हम हॉस्टल वगैरह लेके रुक सकते हैं। तो इसलिए मैंने साइकिल पे, तो अभी जो है अपन थोड़ी सी जो कार्पेथियन माउंटेन है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो ये माउंटेन्स है ना गाइस, ये है 1500 किलोमीटर ऐसे लंबे है, जो कि चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, रोमानिया और यूक्रेन तो ऐसे आते हैं ये पूरे घूम के। तो थोड़ा सा जो कुछ पार्ट है वो यूक्रेन के अंदर भी आता है। तो गाइस जो यूक्रेन का हाईएस्ट पॉइंट है मैं वहां पे भी जाऊँगा, और मेरे को उससे आगे जाना है जो यहाँ का लास्ट गांव है वहां तक मैंने प्लान करा है। तो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, उसका नाम है होवेरला पीक, जो कि लगभग 2070 उसके मीटर ऊंचा है। तो वहां पे जाएंगे तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। बट जो गाइज ये जो सीरीज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये वाली सीरीज है काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगी। और बस आप लोगों का प्यार चाहिए इसके साथ। वहाँ मैं पहली बार साइकिल कर रहा हूँ, कैंपिंग भी करूँगा वहाँ पे, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज वगैरह आएगी, बट मुझे पता है कि हाँ मैं कर लूँगा। तो मेरे को ऐसे ट्रैवल करने में काफ़ी मज़ा आता है अकेले में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई अगर ये कार्पेथियन माउंटेन्स की हम थोड़ी सी इसके जियोग्राफी वगैरह के अगर इसके बारे में बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके चेक रिपब्लिक और इस स्लोवाकिया, रोमानिया और ऐसे यूक्रेन से घूमते हुए माउंटेन आते हैं। लगभग इनके 1500 किलोमीटर रेंज है इनकी। तो जो स्लोवाकिया के पास जो है माउंटेन्स उनको तात्री माउंटेन्स बोलते हैं, जो कि कुछ पोलैंड में भी आते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैं गया था। और अगर इन कार्पेथियन माउंटेन्स की बात करें तो उसकी भी वीडियो है। यहाँ पे एक बुकोविल नाम की सिटी है जो बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के लिए, तो वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो और ये जो है इसका 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो रोमानिया के अंदर आता है इस कार्पेथियन माउंटेन का। जो बट जो पार्ट यूक्रेन के अंदर है ना, वहाँ भी आपको यहाँ पे फोटो वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे कितना ये प्यारा लग रहा है समर के अंदर भी और विंटर के अंदर भी। तो गाइस जो मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया है वो यूक्रेन के अंदर है। यहाँ पे जो जितने सुंदर ये पहाड़ है ना, ये यूक्रेन के अंदर है। और इस कार्पेथियन माउंटेन के अंदर है जो कि ब्राउन बियर, तो भूरे भालू है ना, उनको इनका घर भी बोला जाता है, जो कि मोस्टली जो रोमानिया के अंदर जो जितने माउंटेन आते हैं उसमें रहते हैं वो लोग बोल रहे हो भूरे भालू ब्राउन बियर्स, तो वो मोस्टली है ना रोमानिया के जो माउंटेन्स है और जो फॉरेस्ट है उसके अंदर रहते हैं। तो ये काफ़ी मतलब इन काफ़ी हिस्ट्री है इन माउंटेन्स की, और काफ़ी ब्यूटीफुल्स है। जो हाईएस्ट पीक है वो और भी ज़्यादा है, वो रोमानिया के अंदर है।
तो फिलहाल अभी हम रोमानिया जा नहीं सकते, तो जो यहाँ के माउंटेन्स है यूक्रेन के अंदर, हम उनको पूरा कवर करेंगे वहाँ पे। और बुकोवेल और इसको यहाँ पे जो रीजन है उसको जकरपात ओब्लास्ट बोलते हैं, ओब्लास्ट का मतलब होता है यहाँ रीजन। तो जो यहाँ पे काफ़ी झरने वगैरह हैं और भी हाई केसल वगैरह है इन माउंटेन्स वगैरह में, हम जो वहाँ पे पहुँचने के बाद है ना, वहाँ पे काफ़ी जगह है तो वहाँ पे हम जाएंगे। बट जो रास्ते का ओवर व्यू है, यूक्रेन जो है बहुत ब्यूटीफुल है अभी, बट यहाँ पे वॉर चल रहा है, इसके कुछ कर नहीं सकते इसलिए। बट वॉर जो है वो उधर मेन रशिया बॉर्डर की साइड चल रहा है, इस साइड अभी काफ़ी टाइम हो गया, 2 या 2.5 साल हो गए इसको चलते, वो मेनली अभी वो उधर चल रहा है। तो रास्ते के जो गांव वगैरह है उधर, मेरे रास्ते में मैं यहाँ से जाऊँगा, जैसे कीव से निकलूंगा तो एक इरपिन और बुचा नाम की भी सिटी आएगी, जो स्टार्टिंग के वॉर के टाइम पे जब 2 या 3 दिन हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब उस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया, वो भी आपको दिखाते हुए। फिर ऐसे एक जीतोमर नाम की सिटी है, खमिलनिस की है, उसके पास भी एक बहुत काफ़ी मतलब फेमस हाई कैसल है और बहुत सुंदर है। तो वहाँ से होते हुए हम ऐसे उस रीजन में जाएंगे, और रास्ते में कुछ शहर आएंगे जहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह भी है, कुछ गांव में भी रहते हैं लोग जो मेरे दोस्त है। तो ऐसे विलेज वगैरह के काफ़ी जो जर्नी है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। अभी रात के 12 बज रखे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जो सामान है वो पैक करने जा रहा हूँ। तो अभी अपना सामान मैंने सारा वैसे शॉपिंग वगैरह कर ली है, मैं जब शॉपिंग करने गया था तो वहाँ पे थोड़े से वीडियो बनाई थी, मैं उसकी क्लिप जो है वो अभी डाल देता हूँ, वो देखिए, और इसके बाद अपन करते हैं पूरा अपना सामान पैक। तो गाइस ये वाला जो गद्दा है जिससे हवा भर सकते हैं वो वाला ले लिया है, बाकी अब जा रहे हैं हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे और कुछ सामान लेना, जैसे गैस वैस का सामान हो गया, और इधर ये सारे चूल्हे वूल्हे रख रखे हैं। अपने को चाहिए तो ऐसा ही बट छोटा सा चाहिए, बिल्कुल छोटा, जैसे ये वाला हो गया, जैसे गैस के साथ ऐसा चाहिए अपने को। तो अभी ये देखो प्यारा सा लग रहा है, पर अपने को फैंसी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि काम चल जाए अपना ऐसा। तो भाई लोगों फिर हमने ले लिया ये वाला, जो मैं खुला हुआ दिखा देता हूँ, ये तो पूरा पैक है और इसका प्राइस है 339, इस पर भी 30% ऑफ चल रहा है अभी, 485 का ये। और इधर हमने ली है 2 गैस की बोतल, ये वाली जो कि 114 की, तो ये वाली मैंने और भी है वैसे सस्ती, जैसे आप देख सकते हो इधर 87 की है और है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसका, ये 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी अभी गर्मी होने वाली है, 35 डिग्री जाने वाला है, तो सेफ्टी ज़रूरी है, तो 45 तक इसको रख सकते हैं बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये वाले लिए। तो भाई यहाँ से जो सामान लेना था वो हमने ले लिया है, एक तो ये बैटरी ली है जो सोलर से भी चार्ज हो जाती है और 7 घंटे तक है, एक ये हेडलैम्प लिया है, ये स्टिक ले ली, ये एक चेयर है बैठने के लिए, बाकी पहले मैंने आपको गैस वाला और एक ये कैप ले ली धूप वूप के लिए, और बाकी गैस आपको दिखाया था पहले। तो अभी हम खड़े हैं बिलिंग काउंटर पे, इधर कासा बोलते हैं इसको, तो बिल करवाते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट जो सामान है वो अपना इसमें आ गया, ये गैस की बोतल है, वो लाइट वगैरह, कुछ बर्तन भांडे हो गए अपने, उधर कैंप वो रखा हुआ है कैंप कैंपिंग के लिए, ये एक चेयर और उधर वो मेट वगैरह, मैं सोच रहा था पहले आएगा नहीं, बट अभी भी थोड़ा कुछ सामान रह रहा है इसमें, और खाने पीने का सामान रह रहा है कुछ, और क्या बोलते हैं नहीं, ऐसे थोड़ा ज़रूरत का सामान जो है, कुछ डब्बे वब्बे हैं इसमें मेरे को कुछ डालना है प्रोटीन वगैरह, तो वो भी रह रहा है अभी, थोड़ा बहुत और सामान रह रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि हाँ आ जाएगा, तो वो भी मैं डालता हूँ और फिर निकलते हैं अपने सीधे सुबह। और सुबह जो साइकिल उधर बाहर खड़ी है तो उस पर अपना ये क्या बोलते हैं, पहले मेरे को सुबह उठते ये लगाना है और फिर अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। तो अभी के लिए गाइस गुड नाइट, और सीधे उठ के मिलते हैं आपसे।